तुर्की की संसद में जमकर बवाल हुआ है। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक लाख घूसे चलते रहे। आप समझिए कि किसी सड़क की घटना नहीं है, ये संसद के भीतर हुआ है। तुर्की में एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहते हुए ये पूरा बवाल शुरू हो गया। मारपीट में 3 विपक्षी नेता भी जख्मी हो गए। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कह रहे थे, बवाल बढ़ता चला गया। तुर्की की संसद में जमकर हुआ है बवाल। यहाँ 30 मिनट तक लाख घूसे चलते रहे। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहा गया, उसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया और यहाँ विपक्ष के 3 नेता इसमें जख्मी हो गए हैं। तुर्की के संसद में शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई है। सांसदों ने एक दूसरे पर लात घूसे चलाए। ये मारपीट तकरीबन 30 मिनट तक चलती रही। इसमें 3 विपक्षी सांसद जख्मी हो गए हैं। वीडियो फुटेज में स्पीकर के पोडियम की सीढ़ियों पर खून के छींटे भी नजर आए हैं। दरअसल एक विपक्षी सांसद ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी को आतंकवादी संगठन कह दिया। इस पर एर्दोगन की AKP पार्टी के एक नेता ने विपक्षी नेता अहमद सिक पर हमला कर दिया। लड़ाई बढ़ती चली गई और सांसद एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे, लात से हमला करने लगे। इस घटना से जुड़ा हुआ जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में विपक्ष के 3 नेता जख्मी हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर निंदा चारों तरफ तुर्की में भी हो रही है और अब जैसा कि यहाँ हिंदुस्तान में इस खबर को दिखाया जा रहा है, अलग अलग देशों में इस बात को लेकर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि संसद के भीतर आखिर नेता आपस में कैसे भिड़ गए, लात घूसे कैसे चलने लगे। तुर्की की संसद में लात घूसे चले, 3 विपक्षी नेता इसमें जख्मी हो गए। स्पीकर की तरफ जो सीढ़ियां हैं उन पर भी खून के छींटे देखे गए हैं। एक दूसरे को मारते पीटते हुए संसद के भीतर की तस्वीरें तुर्की से सामने आई हैं।